हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपका पूरा परिवार भी ठीक होगा। शाम के बज रखे हैं 6। सूरा पूरा दिन का काम कर दिया था, संडे था, पूरा दिन बिजी गया। बच्चों की छुट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उन्हें संडे को भी स्कूल बुला लेना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल परेशान कर देते हैं संडे को। ये देखिए, अब सुबह दोपहर से बैठे हुए हैं, इनको पढ़ा रही हूँ, उठ उठ के चले जाते हैं, फिर बैठाती हूँ। दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है 14 तारीख से, तो थोड़ा इनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। पहले इन खुद पढ़ो, चैप्टर को समझो, फिर इनको समझाओ, ट्यूशन वाला भी समझाएगा। देखते हैं क्या करते हैं, मेहनत तो चल रही है। बच्चों को लगा दिया है पढ़ाई पे और मैं करने लगी हूँ प्रेस। प्रेस के कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे, क्योंकि डेली धुलते हैं, डेली हम हाथ से ही धो देते हैं, तो थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अब प्रेस करूँगी, जोत लगाऊँगी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करेंगे। सब्जी तो मैंने बना दी है, आटा गूंथ दिया, बस रोटी नहीं बनाई है। अब रोटी बनाऊंगी, प्रेस खत्म हो जाएगी उसके बाद। प्रेस कर रही थी, ये देखिए, दोपहर में बच्चों के लिए मंगाए छोले कुलचे। जो घिया की सब्जी बनी थी, उन्हें घिया की सब्जी नहीं खानी थी। दोपहर में एक पार्सल आ गया था हमारा, ये बोरिया में रोटी रखने के लिए मंगाया था हमने। 4 का पैक है, काफ़ी अच्छा है, रोटी काफ़ी देर तक गर्म रहती है, अच्छी क्वालिटी थी इसकी, काफ़ी अच्छी। आजकल हम ज़्यादातर ऑनलाइन ही चीज़ें मंगा लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर अच्छी ही आती है, ऐसे कोई कमी नहीं होती उनमें। भारती ज़्यादा कपड़े ऑनलाइन करती बुक करती है, तो उन्हें देखती रहती है, वो भी मंगा लेती है। वो ये देखिए कितना बढ़िया, अंदर से सॉफ्ट था, बिल्कुल थोड़ा मोटा था, जो आराम से मतलब रोटी पसीजेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से मतलब वो ये में आराम से रखी जाएगी। मैं प्रेस कर रही थी, फटाफट मैंने जितने भी कपड़े थे वो प्रेस के निमटा लिए थे। बच्चों को पढ़ा भी रही थी साथ के साथ, बेटा कुछ पूछने के लिए आता था तो उसको बताती थी। और प्रेस ख़त्म करके मैंने जोत लगा दी, जोत अपने टाइम से लगा देती हूँ मैं, डेली का शाम का मेरा ही काम है जोत लगाने का। बेटी बैठी हुई थी, वो भी कुछ पूछ रही थी हिंदी, वो मेरे से ही पढ़ लेती है, तो उसको साथ ही साथ समझा भी रही थी और मैंने पूजा भी कर ली थी पेपर के वक्त। मोस्टली यही काम होता है मेरे साथ। ये देखिए, नया सूट जो मैंने आपको बोला था वो मैंने सिल लिया है और ये प्रॉपर मैंने पूरा पहन लिया। देखिए, ये काफ़ी अच्छा सिला था और काफ़ी अच्छा लग भी रहा था। कॉटन में है नहीं, पर अस्तर नहीं लगा ये। और पफ बाजू के साथ मैंने नई इसकी डिज़ाइन की बाजू बनाई और उसके साथ मैंने सिल के पूरा तैयार कर लिया। आप कहीं जाएंगे तो पहनेंगे। ये पूरा काम होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने किचन में खाना बनाया। आज मैंने भिंडी की सब्जी बनाई, क्योंकि सुबह घिया बनी थी, बच्चे नहीं खाते हैं, भिंडी खा लेते हैं, तो आज मैंने भिंडी बना दी थी, रोटी बना दी थी। कमर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे 2 दिन से, इस वजह से आज मैं सैनिफॉर्म में वॉक के लिए भी नहीं गई हूँ। और मैंने सोचा जल्दी से काम हो जाएगा तो शायद पार्किंग में ही वॉक कर लूँगी, क्योंकि पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है हमारी, अगर मैं उसमें भी आधा घंटा वॉक कर लेती हूँ तो ठीक रहेगा, एकदम से जोर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चीज़ें बंद नहीं होंगी। बहन का फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और काम कर रही थी। देखिए, एक साथ दो दो फ़ोन हैंडल कर लेती हूँ। ये पूरा काम ख़त्म किया, किचन साफ किया और उसके बाद मैंने अपने फ्लैट में ऊपर ही वॉक की, क्योंकि नीचे मिस्त्री लगे हुए थे, इसलिए मैं ऊपर ही वॉक करने लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।